देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील के बार संघ के अध्यक्ष फणीन्द्र नाथ पांडे ने रुद्रपुर के विधायक व राज्य मंत्री व पट्टीदार द्वारा पुश्तैनी जमीन पर प्रशासन के दबाव में कब्जा करवाने के गंभीर आरोप लगाते हुए 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि मदनपुर गोला निवासी गोविंद प्रसाद अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनका आरोप है कि मंत्री के गुर्गों द्वारा उनकी जमीन पर मंत्री के दबाव के कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डॉक्टर साहब अनशन करता जो वकील साहब हैं, इनकी क्या स्थिति है? स्थिति जो है स्थिर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये शुगर के मरीज भी हैं और जो है लगातार 24 घंटे से हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में शरीर जो है उनका जो है कमजोर होता जाएगा। वेट इन्होंने 1 किलो लूज किया है आज के दिन, कल से लेकर के अब तक, और बीपी इनकी जो है लो हो गई है। स्थिति अगर इसी तरह से 24 घंटा ये और रहे तो उनको जो है एडमिट करना पड़ जाएगा। अभी के लिए सलाह इनको यही है कि इनको जो है इनका अनशन तोड़वा करके इनको कुछ खिला पिला करके इनकी पुरानी स्थिति में लाया जाए। वकील साहब, किस कारण से आप अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण? हमारे पटीदार कब्जा करके जो है निर्माण करा रहे हैं, प्रशासन को कोई सहयोग नहीं कर रहा है। काम रुका था, फिर काम शुरू हो गया। इन लोगों से हमने बात किया, इन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर से दबाव है, मैं काम नहीं रोक सकता और इन अधिकारियों पर राज्य मंत्री जयप्रकाश प्रसाद दबाव डाल रहे हैं और हमारी जमीन रोकी जा रही है। राज्य मंत्री पे आपका क्या आरोप है? राज्य मंत्री के दबाव में अधिकारी को ये सब नहीं दे रहे हैं और विपक्षी जो है जबरन निर्माण कर रहा है। क्या समस्या आपके? मदनपुर गोला के निवासी रहने वाले हैं हम। अपनी पत्नी के नाम से 2008 में बैनामा करवाए थे, जो कि अजय प्रकाश निषाद मंत्री जो है हमारे चार दीवारी को 5 फीट हाइट 170 फीट हाइट जो है दयानंद निषाद से गिरवा दिए है। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो है संसेवक है सर। इसके तहत भी हमने जो कोतवाली रुद्रपुर को इन्फॉर्मेशन किया, 9 तारीख को मैं यहाँ उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को दिया, जिलाधिकारी देवरिया दिया, कप्तान साहब देवरिया दिया, DIG गोरखपुर दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाले, मुख्यमंत्री रजिस्ट्री भी किए, मगर कोई भी एक कॉल भी नहीं हुआ। क्या जायज है और क्या नाजायज है? सरकारी मुहाफा के लोग जो है कान में तेल डाल में बिल्कुल एक चुपचाप रह गए, एक बार भी नहीं गए कि क्या कह रहा है, क्या सही है, क्या झूठ है, जाकर के बार तो तहकीकात तो कर ले कम से कम। सबका साथ सबका विकास, गलत बार नारा हो गया।